आज हम बनाते हैं साबूदाने की खिली खिली सी खिचड़ी, व्रत में या बिना व्रत में जैसे बनो वैसे बनाइए आप। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खिचड़ी को। कैसे बनी है आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक बड़ी चम्मच देसी घी, इसमें डालेंगे हम 2 हरी मिर्च कटी हुई। अब लेंगे हम 1 उबला आलू, उसको छील करके काट लिया है। आलू को भुनेंगे। अब लेंगे हम साथ में 2 बड़ी चम्मच मूंगफली के दाने, अब सबको भुनेंगे। आप उबले आलू की जगह पे कच्चे आलू भी ले सकते हैं। कच्चे आलू को ज़्यादा भून करके थोड़ा सा पका लीजिएगा। आलू और दाने भून चुके हैं मूंगफली के। अब डाल देंगे इसमें हम टमाटर, हमने 1 टमाटर को काट लिया है। बस इसको एक ज़्यादा नहीं भूनना है हमें। अब हम डालेंगे इसमें साबूदाने। तो साबूदाने हमने लिए थे, उसको हमने करीब 1 कप साबूदाना है उसको हमने रात में भिगो दिया था, 2 करके अच्छी तरह साफ में भिगोया था और बहुत थोड़ा पानी डाला था। साबूदाने से करीब इतना ऊपर पानी था बस खाली। और देखिए साबूदाना अच्छी तरह फूल चुके हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल जब गल जाते हैं भीगने पर और बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रह जाता है, पानी सारा सूख लेते हैं। तो हम डाल देंगे, कम से कम इसको 6 से 7 घंटे के लिए भिगोना है, हमने इसे पूरी रात के लिए भिगोया था, अच्छी तरह भीग चुके हैं। अब डाल देंगे इसको इसमें। गैस को मैं धीमा कर दिया अभी। अब डालेंगे इसमें हम मूंगफली के दाने, दरदरे पीसे हुए भुने हुए दाने मूंगफली के, उसको दरदरे हमने पीस लिया है। करीब दाने हमने लिए हैं 2 बड़ी चम्मच। अब डालेंगे इसमें हम व्रत वाला नमक, सेंधा नमक। सेंधा नमक और काली मिर्च दोनों मिली हुई रखी है, हम मिला के रख लेते हैं व्रत के लिए। तो काली मिर्च को पीस करके सेंधा नमक दोनों को मिला करके हमने रख लिया था, स्वाद के अनुसार डालेंगे। हम थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और डाल देते हैं। अब हम सबको मिलाते हुए भूनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया कटा हुआ। और इसको हम धीमी गैस पे भूनेंगे करीब 5 मिनट के लिए। इसको हम ढक देंगे और बिल्कुल धीमी गैस पे इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए बनने देंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि साबूदाना हमारे पहले से भीगने में गल जाते हैं। अब इसको देख लेते हैं, देखिए कितनी अच्छे से बन चुकी है, तैयार हो गया मैंने साबूदाने की खिचड़ी खिली खिली सी। अब गैस बंद कर देंगे और इसको हम सर्व करेंगे। देखिए कितनी जल्दी बनके तैयार हो गई है साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी। इसको बनाने में बहुत समय नहीं लगता है, इसको आप बनाइए। कभी भी बिना व्रत के बना सकते हैं, बिना व्रत के बनाए तो उसमें प्याज भी आप डाल सकते हैं। तो तैयार है हमारी खिचड़ी साबूदाने की।